अनाज मंडी घड़ौदा में जहां आड़तियों का 5 दिनों तक धरना प्रदर्शन चला, वहीं श्रमिकों ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। राष्ट्रीय कामगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने अनाज मंडी घड़ौदा में पहुंचकर कहा कि महंगाई को देखते हुए सरकार ने उचित अनुपात में श्रमिकों की मजदूरी नहीं बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि श्रमिक आड़तियों के आह्वान पर हड़ताल करते आए हैं, लेकिन अब भी श्रमिकों को उचित मेहनताना नहीं मिलता। मंडी मजदूरों की यूनियन पूरे प्रदेश की हमारे द्वारा चलती है जी। मंडी मजदूरों के बारे में मंडी बोर्ड से कई बार अपील की गई जी कि आज की महंगाई को देखते हुए इनकी मजदूरी बढ़ाई जाए जी। आप समझे कि एक बोरी मजदूर 25-30 फुट ऊपर लेकर के चढ़ता है और 100 बोरियों अपने शरीर पर डाल करके चलता है पूरे दिन में, तो उसको 300 रुपया मजदूरी बनती है जी। और 300 रुपये में अपना खुद नहीं खा सकता, बच्चे कहाँ से खिलाएगा, उसी में दवाई भी है उसकी जी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी जी। और हमने फिर ये फैसला किया जी कि अब की बार कम से कम 10 रुपया लोडिंग होनी चाहिए जी। अगर ऐसा ना हुआ तो पूरी मंडी में जाम लगेगा जी और कोई लोडिंग नहीं करेगा जी। इसके लिए सरकार जिम्मेदार बनेगी। तो जाम लगने से तो फिर किसानों को भी परेशानी आएगी, आपके काम भी रुकावट होगी। हाँ, काम रुकेगा, परेशानी भी आएगी, लेकिन हमारी मजदूरी के बारे में कोई नहीं बोलता जी। किसानों को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए, आढ़तियों को भी चाहिए। हम आढ़तियों का साथ देते हैं जी। आढ़ती आज कहें कि तुम काम बंद कर दो तो हम बंद करने के लिए तैयार रहते हैं जी। इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके हमेशा चलते हैं जी। पीछे भी हड़तालें हुई, सब में हमने इनका समर्थन किया जी। आगे भी हम इनका समर्थन करेंगे, लेकिन हमारे पेट का सवाल है जी। आज की महंगाई में जो ये मजदूरी बढ़ी है, मजदूरी जो दे रहे हैं जी, 67 पैसा कुल मजदूरी बढ़ाई गई है। कदम होगा कि हम 10 तारीख को मतलब एक नोटिस देने जा रहे हैं जी मंडी बोर्ड को जी कि इसमें मजदूरी बढ़ाई जाए, नहीं तो सीजन में हम काम नहीं करेंगे।